फ्रेंड्स, नीट JEE के स्टूडेंट्स क्वालिटी एजुकेशन के लिए राजस्थान कोटा जाते हैं, जहां पूरी स्टडीज कंप्लीट करने का एक्सपेंस 3 से 4 लाख तक जाता है। वसीम सर ट्यूटोरियल्स ने सेम कोर्स विथ सेम कंटेंट एंड सेम क्वालिटी बहुत ही अफोर्डेबल फीस के साथ आपके लिए अवेलेबल किया है, ताकि आप अपने डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ड्रीम हासिल कर सको। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशन्स ओपन हैं, इंक्लूडिंग CBSE एंड ICSE बोर्ड, वो भी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स के साथ। हमारे फ्री डेमो लेक्चर्स के लिए अभी कॉन्टैक्ट करें। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में भी हुई हिंसा, हावड़ा में दो समुदाय एक दूसरे से भिड़े, तो बांकुरा में पुलिस और शोभा यात्रियों में हुई भिड़न, भाजपा ने फोड़ा TMC पर ठीकरा। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 10 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का उत्सव मनाया गया, शोभा यात्राएं निकाली गई और इसी शोभा यात्राओं के चलते देश के अलग अलग 7 राज्यों में हिंसाएं हुई, दंगे हुए। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ऐसे ये सभी राज्य है। पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को जो जुलूस निकले रामनवमी के, शोभा यात्राएं निकाली गई, हावड़ा में मुस्लिम आबादी से शोभा यात्रा निकलने के दौरान वही हथियार लहराते हुए उत्तेजित करने वाले, उकसाने वाले नारे, और इसी वजह से यहाँ पर जो है माहौल बिगड़ा और दोनों समुदाय एक दूसरे से भिड़ बैठे, ऐसा पश्चिम बंगाल और कोलकाता पुलिस का कहना है। किस तरीके से यहाँ पर हावड़ा में भिड़ंत हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं उसके बाद बांकुरा में, पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पुलिस और शोभा यात्रा निकालने वाले विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा हिंदू वाहिनी, ये सभी संगठन जिनके द्वारा ये यात्रा निकाली गई थी, इनका और पुलिस का विवाद हुआ। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शोभा यात्रा जिस रास्ते से उसके आयोजनकर्ता ले जाना चाह रहे थे उसका विरोध कर रही थी, और उसी के चलते पुलिस के साथ यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में दो बातें आपको बता दूं। सबसे पहली बात कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने इन यात्राओं में हथियारों तथा किसी भी ऐसे चीज का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया था, जैसे डंडे, लाठियां वगैरह ले लिए जाते हैं, तो तलवारें, छुरे आदि जो रहते हैं इन सब पर पाबंदी लगाई थी। मगर उसके बावजूद सब जगह जो जुलूस निकले, शोभा यात्राएं निकली, खुल करके तलवारें जो हैं लहराई गई, त्रिशूल लहराए गए और डंडे, लाठियां वगैरह भी लहराई गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस की पार्टी से संबंधित लोग भी, पदाधिकारी भी ऐसी रैलियों में तलवारें लहराते हुए नजर आए। दूसरी बात यह कि भाजपा के यहाँ के सुधेंदु अधिकारी, इन्होंने पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा है कि हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद और हिंदू लोगों को यहाँ पर त्यौहार मनाने में कैसी दिक्कतें आ रही है, किस तरीके से रोका जा रहा है, राम की भक्ति नहीं की जा सकती, ट्वीट करके ऐसे आरोप लगाए हैं। और इन दंगों के लिए, इन भिड़ंतों के लिए, चाहे वो पुलिस से हो या दो समुदायों के बीच में हो, इसके लिए पूरा ठीकरा उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार पर फोड़ा है। কাপায় গেলে এই মুহূর্তে জয় শ্রীরাম।
মুসলিম পোটি করে বেরিয়ে পড়ছে কতগুলো গাড়ি ছবি হলো দেয় আরে মেন মুসলিমটা খেলা তো শুরু করলো ওখানে হচ্ছে কিরম করলো দেখলি মানে ছুটে এলো একটা ছেলে মানে এসে গাড়িতে গিয়ে এক লাথি মারা সবসময় ছেলে করলো তারপরে চাইবে স্টার্ট बंगाल है। उन लोग को बोल दीजिएगा।